हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखते हैं ह्यूमन आई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस इयर्स के क्वेश्चन पेपर को देख डिफरेंट बुक्स को रेफर करके बहुत ही मेहनत से बनाया है और इन क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। सो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करके एग्जाम में जाना क्लियर। सो देख लेते हैं कि ह्यूमन आई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन आई। सो ह्यूमन आई पर आपको दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे एक तो वो 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और एक वो 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 5 मार्क्स में आपको वो लॉन्ग में क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि पूछ सकते हैं कि वो डिस्क्राइब द होल वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, क्लियर। सिमिलरली बच्चों 3 मार्क्स पर भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर वो 3 मार्क्स में पूछेंगे तो फिर वो किसी पर्टिकुलर पार्ट पर ही क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि डिफाइन या डिस्क्राइब और राइट द फंक्शन ऑफ कॉर्निया, आयरस, प्यूपल, सिलरी मसल। सो वो एक एक मार्क में जो है इसके डिवीजन कर देंगे, ठीक है। जहां तो क्वेश्चन 5 मार्क्स में बनेगा, 5 मार्क्स में बनेगा डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, जिसमें आपको सारे के सारे इसके जो पार्ट है वो डिस्क्राइब करने होंगे, ठीक है। और अगर वो पूछते हैं 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में किसी पर्टिकुलर पार्ट पर ही क्वेश्चन पूछेंगे, लाइक राइट द फंक्शन ऑफ कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया को डिस्क्राइब कर दो और रेटिना को डिस्क्राइब कर दो या फिर आयरस को डिस्क्राइब कर दो, किसी पर्टिकुलर पार्ट पर तो क्वेश्चन पूछेंगे। और आपको आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में उन्होंने ऐसे क्वेश्चन मोस्टली पूछा हुआ है, ठीक। और इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। सो ह्यूमन आई को कौन से डिफेक्ट रहते हैं, जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है आपका मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ठीक। सो स्टूडेंट, इसके ऊपर भी 5 मार्क्स में ही क्वेश्चन रहता है, जैसे वो बोलेंगे डिस्क्राइब ह्यूमन डिस्क्राइब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, ठीक। तो इसमें भी 5 मार्क्स में क्वेश्चन रहेगा, इसके ऊपर भी 5 मार्क्स में ही क्वेश्चन रहेगा। और जो डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आया ना बच्चों, इसको वो जहाँ तो सिंपली तो वो कम ही पूछते हैं, इसको थोड़ा घुमा फिरा कर पूछेंगे। वीडियो में मैंने बता रखा है कि इसके ऊपर कैसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन आएगा। लाइक मेरा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन डिफेक्ट पर भेज दिया है एंड क्वेश्चन थर्ड इज सेइंग इफ चाइल्ड इज सिटिंग इन अ क्लासरूम इज नॉट एबल टू रीड क्लियरली द राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। कहते हैं कोई चाइल्ड है वो क्लासरूम में बैठा हुआ है और ही इज नॉट एबल टू रीड, वो क्लियरली रीड नहीं कर पा रहा द राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको अच्छे से रीड नहीं कर पा रहा। तो फर्स्ट पार्ट है नेम द टाइप ऑफ डिफेक्ट, तो बताओ कि ये कौन सा डिफेक्ट है। सो इसका आंसर क्या रहेगा, थोड़ा सोचो। एक बच्चा है जो ब्लैक बोर्ड पर जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको देख नहीं पा रहा क्लियरली। सो मतलब वो दूर का नहीं देख पा रहा, तो दूर का नहीं। सो इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना कि व्हेन अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली देन वी कॉल व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट। अगर कोई बॉडी है, अगर कोई ह्यूमन पर्सन है, वो दूर का सीन नहीं देख पा रही है क्लियरली, तो उस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ठीक। सो इसके ऊपर जो सेकंड पार्ट रहेगा, सेकंड पार्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। बी पार्ट इज विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम शो हाउ दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टर। और एक तो इन्होंने पूछा है कि इसकी डायग्राम भी बताओ, अगर जो ये मायोपिया है उसकी डायग्राम बताओ, अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो उसकी डायग्राम बताओ, और इस डिफेक्ट को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, दैट इज अगर हम कन्वेक्स लेंस लगाते हैं तो तब करेक्ट होगा, या फिर हम कनकेव लगाते हैं तब करेक्ट होगा। सो इन दोनों पार्ट का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है, क्लियर। सिमिलरली स्टूडेंट इसके ऊपर और भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसमें उन्होंने डिस्टेंस बता रखा होता है। आई थिंक आपने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही लिए होंगे, क्योंकि मेरी इस वीडियो का मोटिव है कि मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूं। और हाँ, अगर बच्चों को नहीं पता कि डिफेक्ट के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं, मैं एक दो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अदरवाइज आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मेरा मेन मोटिव यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो लेकर आऊँ, जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बता दूंगी कैसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछते हैं, तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक। सो ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन डिस्पर्शन ऑफ लाइट. डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है, एंड डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंट टू डिस्कस रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स लाइट. ठीक है, ये थोड़ा मतलब इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम नहीं कह सकते, हाँ फिर भी मतलब जब कहते हैं ना कि जब हम बोल देते हैं कि पेपर थोड़ा अनएक्सपेक्टेड टाइप आ गया, तो वो इस कैटेगरी वाला क्वेश्चन है. ठीक है, फिर भी आपको प्रिपेयर करके जाना है, क्वेश्चन पूछते जरूर हैं, बट अनएक्सपेक्टेड टाइप जब हमारा पेपर आता है तब इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं. और हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई डू स्टार ट्विंकल एंड प्लैनेट्स डोंट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार सीबीएसई ने एग्जाम में पूछ रखा है. व्हाई डू स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं और प्लैनेट क्यों नहीं करते. सिक्स क्वेश्चन इज डिफाइन स्कैटरिंग ऑफ लाइट. यूज दिस फिनोमिना टू एक्सप्लेन व्हाई स्काई अपीयर ब्लू और सन अपीयर रेडिश एट सनराइज. इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो ये थे हमारे ह्यूमन आई के बेस्ड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सीबीएसई हर साल बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछता है, और इन क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना है. सो ये थे बच्चों सीबीएसई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. सो इनमें से एक नया क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेगा, वो भी 5 मार्क्स में. 3 मार्क्स में तो रहेगा ही रहेगा, 5 मार्क्स में भी आपको एक नया क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा. सो इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना. और हाँ, इस चैप्टर में से मेन जो इसका फायदा है इस चैप्टर का, कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई डू स्टार ट्विंकल, व्हाई स्काई अपीयर ब्लू, डिफाइन द फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई. बस सेकेंड क्वेश्चन को छोड़ कर जो डिफेक्ट पर है वो सीधा सीधा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता. ठीक है, सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. और हाँ, नई नई वीडियोस को देखने के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर, सो दैट मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता जाए और आप कोई वीडियो मिस मत कर देना. ठीक है, सो मिलते हैं, बाय बाय.